हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। टाइम एक्सप्रेशन की ये टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी को हम लोग सीखेंगे, साड़ी के बारे में। साड़ी के बारे में आप टाइम को, समय की घड़ी के समय को आप कैसे एक्सप्रेस करिएगा? साढ़े, यदि 4:30 बजा है, 5:30 बजा है, या 7:30 बजा, 9:30 बजा, कुछ भी हो इस तरह के, उसका एक्सप्रेशन आप कैसे करिएगा इंग्लिश में, उस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप जान लें कि साढ़े का इंग्लिश हाफ पास्ट होता है। हाफ पास्ट, HALFPST, हाफ पास्ट। इसमें सेंटेंस कैसे बनेंगे या किस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं? जैसे आप देखें, 3:30 बजा है, 1:30 बजा है, 4:30 बजा है, 2:30 बजा है, 5:30 बजा है, 9:30 बजा है, 10:30 बजा है, 12:30 बजा है, कुछ भी हो सकते हैं। इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, इस विषय में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। और इसका रूल हमने एक तैयार किया है, बिल्कुल सिंपल है, इसको समझेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। आपको पहले पिछले वीडियो में बता दिया कि समय का जो अभिव्यक्ति है उसके लिए आप इट का प्रयोग करेंगे एज ए सब्जेक्ट। उसके बाद इस का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि है लगा हुआ है। अब देखें, यदि था रहेगा तो आप वॉच करेगा, होगा रहेगा तो विल बी का प्रयोग करिएगा इस स्थान पे। चूंकि यहाँ है इसलिए इस का प्रयोग करेंगे। यदि था रहता है तो वॉच का प्रयोग कर दो, यदि होगा रहेगा तो विल बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक्सप्रेशन का हाफ पास्ट, किसके लिए? साढ़े के लिए। उसके बाद आवर, जो घंटा होता है वो, उसके बाद समय, घड़ी का समय, घंटा को दर्शाने के लिए वो क्लॉक का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सेंटेंसेस को कैसे बनाया गया है। 3:30 बजा है सब्जेक्ट के रूप में आप इट का प्रयोग करिएगा, फिर चूंकि है लगा हुआ इसे इच का प्रयोग, उसके बाद साढ़े के लिए हाफ पास, तो कितना बजा है? 3:00, 1:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट, आधा घंटा के लिए 1:00, 4:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट, साढ़े के लिए, और कितना बजा है? 4:00। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को आप खुद सोचें, अपने बच्चों को सिखाएं और प्रैक्टिस करवाएं। ये बिल्कुल सहज है, आसान है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। और आप सब से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।